आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मथुरा जनपद के थाना नौजिल क्षेत्र में सोमवार शाम पालखेड़ा गांव के समीप यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर मथुरा न्यायालय से लौट रहे पिता और बेटियों को बुलेट सवार अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे, जिन्हें देख बुलेट सवार मौका देखकर भाग गए। किसानों ने घायल पड़े पिता और बेटियों को अस्पताल में भिजवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस बुलेट सवार लोगों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पचहरा निवासी महेंद्र सिंह की दो बेटियों को शादी कारब में हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर दोनों को घर से निकाल दिया गया था, जिसका मथुरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। महेंद्र सिंह सोमवार सुबह तारीख करने के लिए अपनी दोनों बेटियों को बाइक से मथुरा न्यायालय ले गए थे। वापस लौटते समय बुलेट सवार तीन लोगों ने लाठी डंडों से बाइक को गिराकर महेंद्र सिंह और उनकी दोनों बेटियों के साथ जमकर मारपीट कर और फरार हो गए। वहीं महेंद्र सिंह ने अज्ञात तीन लोगों के खिलाफ थाना नौजिल में मारपीट की तहरीर दी है। नौजिल से लाइव टुडे के लिए संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सरिता। कहाँ की रहने वाली हो? क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? मथुरा से आ रहे तारीख करके जी, रास्ता में तीन आदमी ने मोटरसाइकिल पे आगे तो डंडा मारे, फिर पीछे से मी बहन में मारे, फिर मुँह में मारे जी, और फिर तीनों भग गए। किस चीज़ से आए थे वो लोग? मोटरसाइकिल से, बुलेट थे। आप किस चीज़ पे थे? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, जानते हो आप उन लोगों जिनने मारपीट की है? एक है जानते, एक को जानते हो। तो किस बात को लेकर हुई मारपीट? भैया के ससुराल के उन्हें मारे। अच्छा, कारब से मिले भाई। कारब में आपका क्या है? ससुराल।